हेलो एवरीवन, आई होप तुसी इस वीडियो दा डिस्क्लेमर ते टाइटल देख के ही वीडियो नू प्ले कर रहे हो। ए वीडियो असी सिर्फ ओ स्टूडेंट्स लई बना रहे हां जिहड़े अज भी कैनेडा जाण दा ख्वाब देख रहे ने, बट COVID-19 या कोरोना वायरस दे कारण उन्हां तक गलत या अधी इनफॉर्मेशन पहुंच रही है। वीडियो च असी तुहाडी कैनेडा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन ते COVID-19 या कोरोना वायरस दा की इंपैक्ट पै सकदा है उहदे बारे ही गल करांगे। अज हर एक स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं डुओलिंगो टेस्ट आईएलटीएस दी जगह बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट की जगह तो ऑनलाइन बायोमैट्रिक्स करके कैनेडा जा सकता है। चलो आप अज ये मान लें कि कनेडियन गवर्नमेंट आ तीनों चीज़ा एक्सैप्ट करती है कि फिर भी असी कैनेडा जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। 1 जून 2020 की सिचुएशन ये है, हले तक सिर्फ तो सिर्फ रेस्क्यू इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं। कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स नू स्टार्ट होने लई हले टाइम लगेगा। तो VFS ते वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हले पासपोर्ट सबमिशन या पेपर एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हुण इह वीडियो असीं किहनां लई बना रहे? स्टूडेंट्स जिहड़े कैनेडा जाण दा सोच रहे ने, स्टूडेंट्स जिन्हां ने हले तक आइल्स दा टेस्ट नहीं दिता, स्टूडेंट्स जिहड़े ऑफर लैटर रिसीव करके कॉलेज दी फीस GIC ते मैडिकल दा प्रोसैस कंप्लीट कर चुके ने, स्टूडेंट्स जिन्हां ने अपनी फाइल सबमिट करती है बट हले तक बायोमैट्रिक्स नहीं करवाए, स्टूडेंट्स जिन्हां ने अपनी फाइल 18 मार्च 2020 तो पहला या फिर 18 मार्च 2020 तो बाद अप्लाई की है, या फिर स्टूडेंट्स जिन्हां की वीज़ा अप्रूवल 18 मार्च 2020 तो बाद हुई है तो हले तक इंडिया च नहीं। ये वीडियो असी किसी नू डीफेम डीमोटिवेट या फिर गलत साबित करने लिए नहीं बना रहे, बल्कि साड़ी सिर्फ तो सिर्फ यही कोशिश है कि तुहाडे तक सही तो सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती हो सके। बाकी जे तुसी होर कुछ भी चैक करना चाहते हो, कनेडियन गवर्नमेंट की वैबसाइट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उदा लिंक प्लस VFS ग्लोबल यानी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जेडे इंडिया जिथे तुसी अपना पासपोर्ट बायोमैट्रिक जमा करा सकते हो उदा लिंक भी असी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन च। ते इस वीडियो सिर्फ कैनेडा दे स्टूडेंट वीज़ा बारे ही गल की जाएगी, होर किसी कंट्री दे स्टूडेंट या फिर टूरिस्ट वीज़ा की गल नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो असी कैनेडा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी मिथ्स या फैक्ट्स ने उदे बारे ही गल करांगे। हुण पहली मिथ कि तुसी डुओलिंगो टेस्ट देके कैनेडा जा सकते हो या फिर अज डुओलिंगो टेस्ट आयरस की जगह एक्सैप्टिड है या नहीं। अज हर एक स्टूडेंट का एको ही सवाल है कि मैं डुओलिंगो टेस्ट देके कैनेडा जा सकदा या नहीं। डुओलिंगो टेस्ट आयरस की रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं। COVID-19 करोना वायरस के चलते कई यूनिवर्सिटीज़ ते कॉलेजेस आज डुओलिंगो टेस्ट एक्सेप्ट कर रही हैं, बट ये टेस्ट सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी ऑफर लेटर एडमिशन या फिर सीट सिक्योर करन दे लई है। इहदे नाल फिलहाल अज दी डेट यानी 1 जून 2020 तक तुसी कोई भी कैटेगरी यानी SDS या फिर नॉन SDS वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। चलो आपां मान लैने आ कि स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी नॉन SDS SDS वक्रियां ने, बट जे नॉन SDS कैटेगरी जे कनेडियन गवर्नमेंट अज भी डुओलिंगो एक्सैप्ट करवा दे आपां ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं इत्थे सिर्फ कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ते कॉलेजेस दी ही गल करांगा। डुओलिंगो टेस्ट नाल तुसी अपनी एडमिशन या फिर स्पॉट सिक्योर कर सकते हो, इहदे नाल तुहानू LOA भी मिल सकती है ते तुसी अपनी कॉलेज की फीस भी पे कर सकते हो। हुण तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो कनेडियन गवर्नमेंट की वैबसाइट www.canada.ca। ये वैबसाइट पर जे अज मैं सर्च करदा डुओलिंगो टेस्ट कोई भी रिजल्ट नहीं आता, जिते ही मैं आइल्स लिखूंगा 51 रिजल्ट शो होंगे। हुण ये क्लीयर हो जाता है कि कनेडियन गवर्नमेंट फिलहाल यानी 1 जून 2020 तक डुओलिंगो टेस्ट नहीं एक्सैप्ट कर रही। ये रूल कल नू चेंज भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। हुण अगली मिथ कि तुसी अज बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट की जगह या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के नाल कैनेडा जा सकते हो या नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट के नाल कोई भी स्टूडेंट कैनेडा नहीं जा सकता। कैनेडा या फिर कोई भी कंट्री जाने लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ कई यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस ने वो स्टूडेंटा लिए जिन्हों को पासपोर्ट नहीं सीगा या जिन्हों का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया सी या जिन्होंने पासपोर्ट लिए अप्लाई करना सी उन्होंने एक प्रोविजन दिती सी या फिर सब्सटीट्यूट के तौर पर एडमिशन प्रोसैस लिए सिर्फ ऑफर लैटर लई तुसी बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, बट ए तो बाद वीज़ा प्रोसैस लई तुहानू पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। सिर्फ तो सिर्फ पासपोर्ट ते ही तुहानू वीज़ा मिलेगा। ये मैं तुहानू 1 जून 2020 तक की सिचुएशन दस रहा। हुण अगली मिथ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ COVID-19 ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੇ ਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ VFS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, VFS ਗਲੋਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫੋਰ ਆਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਾਣ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਲਾਈਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮਸ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।